दोस्तों, हर व्यक्ति का अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार थाने, पुलिस या कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ता जरूर है, और जब उसका वास्ता पड़ता है तो वो घबरा जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं उसके। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कानूनी जानकारी नहीं। और हम लोग जो ऐसी वीडियोस लेकर आपके लिए आते हैं जहां आप कानूनी जानकार बनाते हैं, और अगर हमारी वीडियोस भी अगर आप लगातार देख रहे हैं तो कम से कम ये तो कंफर्म है कि आप इन चीजों से डरोगे नहीं। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपकी गवाही होनी है किसी भी कोर्ट में, आप गवाह बनकर जा रहे हैं या फिर आप विटनेस हैं, या फिर कई बार होता है कि आप खुद उसमें विक्टिम थे, आज आपकी गवाही होनी है, कुछ बातें होती हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी भी विटनेस को, किसी भी विक्टिम को, कोई भी या किसी भी तरह की अगर गवाही है आपकी कोर्ट में और आपने कुछ बातें अगर ध्यान रखी तो उस गवाही को बहुत अच्छे से आप दे भी पाओगे, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आप बोलने तो कुछ और गए थे पर वहां जब वकील साहब ने आपसे घुमा घुमा के सवाल पूछे तो आप बोलकर वहां कुछ और आ गई। ऐसे में जो आपके वकील साहब हैं, वो जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह से आपको ट्रेंड करते हैं गवाही देने में, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं दोस्तों, ताकि आपकी गवाही बहुत अच्छी हो सके और जो आप बोलने गए थे वही जाकर आप बोलकर भी आए। और कई बार कोर्ट भी ऐसा दबाव बनाता है या फिर सामने वाले वकील साहब ऐसा दबाव बना देते हैं, या फिर कई बार क्योंकि आपके लिए नई चीज़ होती है वो, आप फंस कर रह जाते हैं वहाँ, अपनी बातों को बोल नहीं पाते। तो जो मैं आज आपको 10 बातें बताऊंगा क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है अगर आप गवाही देने कोर्ट में जा रहे हैं और आपने उनको ढंग से सुना, ढंग से समझा, तो मेरा मानना है गवाही आपकी अच्छे से होगी और आप जो बोलने गए थे वही जाकर आप बोलकर आएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए सही गवाही आप कैसे देंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, गवाही देना कोई आर्ट नहीं है या फिर गवाही देना कोई ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि आप ट्रेन तो हो नहीं, ये चीजें डेली तो आपके साथ में होती नहीं, हर इंसान अपनी जिंदगी में बिजी है। बट गवाही जब देनी है किसी भी केस में आपको जाकर, तो वहां कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, पहले नंबर की जो बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए गवाही देने किसी भी कोर्ट में आप गए हैं, सबसे पहले कम से कम बोले, जितनी बातें पूछी गई उतनी ही बातों को कम से कम शब्दों में खत्म करें जो चीजें आपकी फेवर की हों। चीजों को इलेबोरेट करोगे, चीजों को डिटेल में बताओगे, चीजों को समझाने की कोशिश करोगे, कई बार आपके मुंह से वो बातें निकल जाती हैं जो कोर्ट में आपको नहीं बोलनी चाहिए। और अगर आप ऐसी बातें जाकर कोर्ट में बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, तो वहां कोर्ट में वो बातें तिलका ताड़ बन जाती हैं, वो आपके अगेंस्ट में जा सकती हैं, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरी बात, दूसरे नंबर पर बात आती है कि जब भी आप कोर्ट में गवाही देने के लिए गए हैं तो होता क्या है कि वकील साहब आपसे एक सवाल पूछते हैं, सवाल वो अलग अलग तरह से घुमा घुमा कर पूछेंगे आपसे। कई बार आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, कई बार ऐसी बात बोली जाएगी आपको बुरी लग सकती है, कई बार बहुत प्यार से आपसे सवाल पूछेंगे जैसे आपको लगेगा आपके फेवर में बोल रहे हैं। तो आप जब भी कभी वकील साहब के जो भी कोई सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो जवाब आप दीजिए जज साहब को, जज साहब को देखिए, वहां पर उनको जवाब दीजिए। जरूरी नहीं कि उन वकील साहब को ही आप जवाब देंगे जो सवाल उन्होंने पूछा है, आप जज साहब को देखिए, जज साहब को जवाब दीजिए, जज साहब को एड्रेस कीजिए। आप किसी और की तरफ आप मत देखिए। अगर उन्हें बार बार आप देखोगे उन वकील साहब को, तो अपनी बातों में आपको घुमा सकते हैं, आप उनकी बातों में फंस गए तो आप सब बातों का जवाब गलत दे सकते हैं। तो दूसरी बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आप में से कोई भी अगर कोई लॉ स्टूडेंट है या फिर नए अभी वकील साहब हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ी सी और बातें आपको बता दूं कि कभी भी जब गवाहियां होती हैं, गवाही जब दी जाती है, तो मेन दो पार्ट्स होते हैं गवाही के। गवाही के दो पार्ट्स क्या होते हैं, एक होता है चीफ, एक होता है क्रॉस। चीफ किसे बोलते हैं, जब आप गवाही देने जा रहे हो, जो आपने वहां पर अपनी स्टेटमेंट पूरी लिखवा दी, उसको बोलते हैं चीफ। और अब जो सामने वकील साहब अब आपसे क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी बात मैं आपको बता रहा हूं, गवाही आप देंगे जो सवाल जवाब कोर्ट में होंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस। तो क्रॉस कर रहे हैं, और इस चीफ के भी दो तरीके हो सकते हैं, चीफ दो तरह का हो सकता है। पहली बात तो ये होगा कि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट में हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले आते हैं, या आपने उसमें भी देखा होगा जो बहुत सारे मामले बनते हैं चेक बाउंसिंग के, जब शुरू में आप रिटर्न में कोई भी चीज देते हो, पर जो स्टेट के मामले होते हैं उसमें जाकर आप चीफ भी देते हो ओरली, और जाकर ओरली ही आपसे सवाल जवाब पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर चीफ के भी दो तरीके हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। चीफ के दो क्या होंगे, एक तो रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती है, दूसरा आपका ओरल हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इनमें से अगर आप गलती करते हो, पूछा जा रहा है कुछ और जवाब आप दे रहे हो कुछ, तो अपनी स्टेटमेंट में आप खुद ही फंसकर वहां पर रह जाओगे। दोस्तों, तीसरी बात आती है रीडिंग ऑफ स्टेटमेंट। रीडिंग ऑफ स्टेटमेंट में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीजें हैं, जो भी स्टेटमेंट आपने दी, मतलब स्टेटमेंट आप देने कोर्ट में गए हैं जो भी स्टेटमेंट को, तो उसको आप पहले चाहें
तो कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि मुझे वो पढ़ना है। जैसे आप गवाही देने गए हैं, मामला आया 6-7 साल के बाद, अब आपको पूरी बात तो ढंग से याद नहीं, थोड़ी बहुत याद है, तो अब वहां पे आप डिमांड कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैंने जो अपनी उस वक्त स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट मुझे पढ़ाई जाए, क्योंकि आपने जो बयान दिया तो 61 का वो अलग हो सकता है। तो चाहे यहाँ पर अगर एविडेंस एक्ट की हम बात करें तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 159 यहाँ पर काम करता है, जहाँ पर रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरीज की बात की गई है। तो तीसरा पॉइंट आप याद रखें कि बातों को आप रीड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथी बात दोस्तों, फोर्थ पॉइंट बहुत काम का आपके लिए हो सकता है कि गवाह की तैयारी जो कराई जाती है दोस्तों, किसी भी चीज में रिहर्सल कराई जाती है, और अगर आपको भी आपके वकील साहब ने अच्छे से रिहर्सल कराई है तो मेरा मानना है जो गवाही देने आप गए, चीफ जो अभी आपका हो रहा है, क्रॉस जो अभी आपका होगा, उसमें आप जीत कर ही आओगे, हार के नहीं आओगे। वकील साहब अगर आपको सही से ट्रेंड करते हैं तो आप बहुत अच्छे से गवाही आप दे भी पाओगे। वकील साहब आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे या अपने चैम्बर में बुलाएंगे, कहीं पर भी बुलाते हैं, आप बैठकर उसी पूरे मामले को दोबारा से स्टार्ट करें, और सवाल जो पूछ रहे हैं वकील साहब उसका जवाब आप अच्छे से देंगे, गवाही आपकी बहुत अच्छी होगी, बस आपके वकील साहब ने आपको अच्छे से ट्रेंड किया हो। क्योंकि जो कोर्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं, उसके लिए आप नोन नहीं हो। जैसा मैंने फिर आपको शुरू में बताया, आप कभी जिंदगी में एक दो बार आपका वास्ता कभी पड़ा है तो आप ट्रेंड नहीं हो, बट हम लोग डेली यही करते हैं। जैसे मैं क्रिमिनल एडवोकेट हूं, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं, तो इसमें क्या होता है कि मैं क्रिमिनल में अक्सर हम देखते हैं जो सवाल हम जब पूछना शुरू करते हैं तो सामने वाला हमारे सवालों में फंस जाता है और फिर वो वही बोलना शुरू कर देता है जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें, आपके वकील साहब आपकी ट्रेनिंग आपकी तैयारी अच्छे से कराएं। दोस्तों पांचवें पॉइंट में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कोई गवाही देते हो, गवाही दो तरह से दोस्तों हो सकती है। जैसे कि आपने जो बोला ओरली सामने कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, दिल्ली में ऐसा ही होता है कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं क्या सही लिखा क्या गलत, क्योंकि हर बात के दो मतलब निकाले जा सकते हैं, हम वहां देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई कि सभी कोर्ट में जिस भाषा में जिस तरीके से लिखवाई जाए अपनी गवाही उसी भाषा में आप लिखेंगे। हालांकि होता क्या है, आपने बोला कुछ हिंदी में, वहां पर लिखा जा रहा है इंग्लिश में, तो आपके वकील साहब अगर वहां पर नहीं है तो बातों के मतलब दूसरे निकाले जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। आपको वकीलों के साथ जो आपके वकील साहब हैं उनके सामने ही गवाही देनी चाहिए ताकि ढंग से पढ़कर वो उस चीज को अप्रूव कर सके और तभी वो चीज आगे बढ़ सके, क्योंकि जो आप लिखवा रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह पर तो ऐसा है कि वहां पर अभी इतनी ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस नहीं हुई है, तो आज भी वहां पर लेखागार, मतलब लेखागार जो होते हैं जो लिखते हैं हाथों से, वो लोग बैठे होते हैं, तो वहां पर वो लिख रहे होते हैं जो आप बोल रहे होते हो, थोड़ी सी भी बीच में स्पेस वगैरह अगर छूट गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उस स्पेस में कुछ लिखा जा सकता है, और ऐसा होता है ऐसी जगहों पर जहां पर के हाथ से लिखे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी गवाही आप दे रहे हैं उसको अच्छे से ढंग से आप पढ़ें, जैसे जैसे वो लिख रहे हैं कोई भी गलती है उसी वक्त आप रोक दें, और अगर वो बात नहीं सुन रहा है तो उसी वक्त अपनी गवाही को रोक दें, गवाही आगे ना बढ़े। छठी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि गवाह जब पहुंचता है कोर्ट में तो आपके वकील साहब तो नहीं पहुंचे पर आपने वहां गवाही शुरू कर दी, मतलब आपको लगता है कोर्ट जो बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा, कोर्ट ने बोला आप यहां पर आ जाओ, आप पहुंच के कटघरे में खड़े हो जाओ, आप कटघरे में खड़े हो गए, सवाल पूछना शुरू किया, आपने बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों ऐसा नहीं, आप उस चीज का विरोध कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं अभी गवाही नहीं दूंगा जब तक मेरे वकील साहब नहीं आएंगे। आपके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, जज साहब कुछ भी बोलते हैं बातों को इग्नोर करें और बोलें कि जब तक मेरे वकील साहब नहीं आएंगे तब तक मैं अपनी गवाही नहीं दूंगा, चाहे कोई कितना भी आपके साथ फोर्स करे। आपके भी अपने बहुत सारे लीगल राइट्स हैं दोस्तों, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आपके वकील साहब आपके साथ खड़े होंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ जाता है और अपनी गवाही आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सातवां पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी जब अपनी गवाही आप करते हैं तो गवाही देते हुए आपने स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट आप देते जा रहे हैं, मान लीजिए आपके वकील साहब नहीं, अब अपनी गवाही दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहां जब लिख रहे हैं थोड़ी सी करेक्शन हो गई और आपने उसको आगे बढ़ने दिया, तो दोस्तों वो एक करेक्शन आपके पूरे केस को तहस नहस कर सकता है, पूरे केस को मामला खराब हो सकता है। तो बेहतर है कहीं पर भी आपने कुछ भी लिखवाया, कोई भी किसी भी तरह की गलती हो उसी वक्त उसको ठीक करें ताकि आपकी बात आगे तक वही जाए जो आप लिखवाना चाहते हैं। दोस्तों आठवें पॉइंट में आपको बोलना चाहूंगा, कभी भी आप गवाही देने के लिए गए हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कोर्ट का माहौल ही ऐसा होता है कि आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दोस्तों आप कोर्ट में किसी भी तरह से दबाव में आना नहीं है, अगर आप दबाव में आ गए तो आपका मामला खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी आप डरे नहीं, जो चीजें आप बोलने गए हैं वही बातें आप बोले, किसी के दबाव में ना आए, चाहे सामने वाले वकील साहब हो, चाहे जज साहब हो, या फिर कोई भी हो सकता है अपोजिट पार्टी आप पर दबाव बनाए, आपका दबाव में आना नहीं है। अगर आप दबाव में आ गए तो अपनी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है आप गलत दे दोगे, गलत देने से सामने आपके केस पर बहुत फर्क पड़ सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें।
नोवा पॉइंट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप गवाही देते हैं, गवाही आपने दी, हालांकि सब वकीलों के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है, नए आप वकील साहब हो, लॉ स्टूडेंट है, तो आप इन चीजों को जरूर देखें, ध्यान दें इस बात को आप कि आपने कोई भी गवाही करवाई, पूरी गवाही अब आपकी हो चुकी है, तो उसकी उसी वक्त आप अनसर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। अनसर्टिफाइड से पहले साइन करेंगे आप, उस पर भी मैं अभी आऊंगा कैसे आप साइन करेंगे, क्योंकि नोवा पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अनसर्टिफाइड कॉपी जरूर उसी वक्त आप ले लें अपनी गवाही की, आपको कॉपी मिल जाएगी, आप कॉपी लें, उसको ढंग से आप पढ़ें, कोई करेक्शन तो नहीं, कोई गलती तो नहीं, और एक एविडेंस की तरह या फिर एक मतलब फाइल में रिकॉर्ड की तरह भी ये काम करेगा। आप अगर वकील साहब हैं, आगे जाकर आपके बहुत काम आने वाली ये चीज़ है। आप गवाह हैं तो भी अपने पास वो कॉपी रखें, आपने क्या बोला है वो आपका अधिकार है, कोर्ट उसी वक्त आपको दे देगा, आपके वकील साहब एक एप्लीकेशन लिखकर देंगे और आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। दसवां पॉइंट दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आपने कोई भी गवाही दी, गवाही देने के बाद में उस पूरी गवाही को, जो कॉपी आपके सामने आई, साइन करने से पहले पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कोई चीज ऐसी तो नहीं जो आपने बोली कुछ थी पर हो गई कुछ और अगर ऐसा है तो उसी वक्त उसका ऑब्जेक्शन करें, उसको ठीक करवाएं, और ऑब्जेक्शन हो भी जाए तो साइन मत करें। अगर आप साइन मार देंगे तो फाइनल हो गया, फिर तो आपकी गवाही आगे चली गई, वो एक एविडेंस बन चुका है, पर साइन ना करें ऐसे। साइन आप तभी करें जब आप उसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से आपको समझ आ जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज आपको बताया गवाही के बारे में, कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में मैं नहीं गया हूं, कुछ चीज़ें बताई कि डिटेल में जाऊंगा, वीडियो बहुत दोस्तों लंबी हो जाएगी, पर आपके जो सवाल होंगे उस पर मैं वीडियो लेकर जरूर आऊंगा, आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछना कि किस मामले में आपने कभी गवाही दी है या फिर किस मामले में आप गवाही देने वाले हैं, और कोई भी आपके दिल में किसी भी तरह के डाउट्स है कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें। कोई भी आपका केस है, कुछ जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।